हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो देखिए, मैं लेके आ गया हूँ साइंस का एक टॉपिक। ठीक है, बहुत लोग रिक्वेस्ट किए थे कि सर लाइट जो फिजिक्स का एक चैप्टर है क्लास 10 में, ठीक है, उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के ऊपर। सो मैंने सोचा चलो बना देते हैं। तो ये पार्ट्स में आएंगे, कोशिश रहेगी कि वीडियो छोटे हों। ठीक है, मिनिमम 10 या 15 मिनट्स के अंदर एक एक वीडियो बनाऊं और जो भी टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में वो सारे के सारे कवर करके आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है, ताकि आप एग्जाम के लिए अच्छे से तैयार हो सको। सो मेरी कोशिश वही है और आई होप आपको पसंद आए ये सीरीज जो मैं बनाने वाला हूँ। तो अगर आप नए हो तो वही यार, क्या सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट कर देना और लास्ट में शेयर भी जरूर कर देना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सो देखिए, इस चैप्टर में ये जितने भी मैंने यहाँ पे टॉपिक्स लिखे हैं, ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं। हम एक एक करके जो जो होता है वो कवर करते जाएंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा रिफ्लेक्शन क्या होता है, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, और नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, ये तीनों एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा मैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले रिफ्लेक्शन से। सो देखिए, रिफ्लेक्शन होता क्या है एक्चुअली, इसको अगर डिफाइन किया जाए तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे आफ्टर हिटिंग एनी सरफेस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन। ओके, ये तो थोड़ा डीप हो गया, राइट, टेक्निकल हो गया। अगर मैं आपको बेसिक से बताऊं तो ये जो लाइट होता है, करेक्ट, लाइट होता है क्या होता है, ये इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसका काम क्या है अगर ह्यूमन बीइंग को लिया जाए तो इट मेनली एनेबल्स अस टू सी थिंग्स, करेक्ट। ये क्या करता है, हमें हेल्प करता है चीजें देखने में। सो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल अस टू सी थिंग्स, करेक्ट। अब आप इमेजिन करो, बिना लाइट के अंधेरे में अगर आप हो तो क्या आपको कोई चीजें दिखाई देंगी, नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि लाइट रहेगा तभी हम देख पाएंगे। तो लाइट ही रहेगा तभी क्यों देखते हैं, क्योंकि देखो जो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, समझ लो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इस पे अगर लाइट, सनलाइट, मेनली लाइट का मतलब यहाँ पे सनलाइट है, सनलाइट क्या होता है, इस पे जाके रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है, तो हमारी आंखों में वो रिफ्लेक्शन जाता है, समझ में आ रहा है, वो रिफ्लेक्शन हमारे दिमाग के पास सिग्नल देता है जो हम चीजें देख रहे हैं, तब हम उन चीजों को पहचान पाते हैं कि ये चीज है, समझ में आया। सो रिफ्लेक्शन की वजह से ही हम चीजों को देख पाते हैं, ठीक है। सो ये है हमारा रिफ्लेक्शन। अब ये लाइट को हम क्या करेंगे, फिजिक्स में लाइट को हम या तो रे के फॉर्म में पढ़ाई कर सकते हैं, लाइट को वी कैन अज्यूम इट एज ए रे, और वी कैन अज्यूम इट आल्सो एज रे पार्टिकल्स, लाइट एज पार्टिकल्स, एंड वेव के तौर पे भी हम इनको पढ़ते हैं, बट यहाँ पे हम लाइट एज ए रे कंसिडर करेंगे। रे मतलब जस्ट अ सिंगल लाइन, समझ लो, ओके, ये लाइट का रे होगा। ओके, चलो, तो मैंने अभी बताया कि लाइट को हम क्या कंसीडर करेंगे, रे, और ये रे हमेशा किस में ट्रैवल करेगा, इन ए स्ट्रेट लाइन। ओके, और ये रे हमेशा क्या होता है, इन ए स्ट्रेट लाइन। हम अज्यूम करते हैं कि लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन। इसका अगर आपको समझना है तो देखो, आपकी परछाई जो होती है, आप अगर यहाँ पे खड़े रहो, आपकी जो परछाई शैडो होता है वो क्या होता है, हमेशा स्ट्रेट ही होता है। सो बेस्ड ऑन दिस दैट हम कंसिडर करेंगे लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, करेक्ट। ओके, देखिए इस इमेजेस में भी आप देख सकते हो, ये क्या है, ये सारे के सारे लाइट रेज हैं, राइट, दे यू कैन सी देम इन द फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, दिख रहा है ना आपको, किरण जो बोलते हैं हिंदी में, दे आर लाइट रेज। तो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे इस चैप्टर में कि लाइट जो हमारा है रे के फॉर्म में है, ओके, इन अ फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, तो चलिए अब शुरू करते हैं रिफ्लेक्शन से। तो जैसे कि मैंने बताया, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, इट इज बाउंसिंग बैक ऑफ ए लाइट रे आफ्टर हिटिंग एनी सरफेस, मतलब कोई भी सरफेस होगा, ठीक है, सरफेस मतलब कोई भी हार्ड चीज,
ठीक है, जिससे लाइट पास नहीं हो सकती। ओके, तो अगर लाइट यहाँ पे जाके टकराएगा तो ये वापस क्या होगा, ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा, करेक्ट। इसको बोला जाता है रिफ्लेक्शन। क्या बोला जाता है इसको? रिफ्लेक्शन। तो इसके कुछ लॉस हैं जिसको हम बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखो आप अगर इस पिक्चर में देखो तो ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है। प्लेन मिरर तो आपने देखा होगा आपके घरों में, जो मिरर होता है, आईना होता है, उसको ही हम अज्यूम करेंगे प्लेन मिरर। होता क्या है, सिर्फ आप उसमें अपनी क्या वो आपका फोटो शक्ल दिखता है उसमें, जिस चीज को दिखाओगे वो दिखेगा, मीन्स आप हो और आपका इमेज उसमें दिखता है। वो क्या होता है, पूरी तरह से प्लेन होता है, उसका सरफेस क्या फ्लैट होता है, राइट, उस मिरर का, इसीलिए हम उसको बोलते हैं प्लेन मिरर। तो हम इमेजिन करेंगे कि रिफ्लेक्शन एक अगर लाइट का रे है तो वो कैसे रिफ्लेक्ट होता है। तो देखो ये जो है, ये जो लाइट रे आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये तो ये इंसिडेंट हो रहा है इस सरफेस पे, और इस सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन एक ड्रॉ करते हैं हम इसको यहाँ पे, जैसे देख सकते हैं आप इसको, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल, द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस विच विल बी रिफ्लेक्टिंग। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, जिसपे लाइट रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसके परपेंडिकुलर लाइन को क्या बोलते हैं, नॉर्मल। तो देखो जो रे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, रे क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ इस सरफेस से इंसिडेंट हुआ, फिर यहाँ पे आके क्या हो गया, ये रिफ्लेक्टेड हो गया, राइट। तो इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ, सॉरी, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, और इसको बोला जाता है रिफ्लेक्टेड रे। जो आके इंसिडेंट हुआ वो है इंसिडेंट रे, और रिफ्लेक्ट होके वापस गया उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। तो नॉर्मल से जो इनके बीच एंगल बनता है, ये जैसे यहाँ पे ये एंगल बना, ठीक है, इसको हम आई मान लेंगे, और ये इसको हम आर मान सकते हैं, ठीक है। तो आई को बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, इन आर को बोला जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसके दो लॉस हैं, कितने लॉस हैं, दो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन जिनको हम बोलते हैं। पहला क्या है, देखो पहला होता है, अरे यार ये क्या हो गया, ओके सॉरी, हाँ, तो ये होता है लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ क्या बोलता है, देखो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब इस जिस एंगल में ये एंगल इंसिडेंट करेगा प्लेन को, उसी एंगल में रिफ्लेक्ट भी करेगा, मतलब अगर ये 30 डिग्री होता तो इधर भी 30 डिग्री होता, ओके, पहला लॉ है। दूसरा लॉ है ये, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में रहेंगे, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, इन द सेम प्लेन, ये लॉ है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। तो चलिए अब देखते हैं कि ये जो इमेज फॉर्म होता है एक प्लेन मिरर से, ठीक है, इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, वो उसका नेचर कैसा होता है, नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय व्हाट, प्लेन मिरर, यहां पे हम क्या लेंगे, प्लेन मिरर, ओके। तो एक एक करके मैं आपको बताते जाऊंगा, समझना है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये प्लेन मिरर का एक एग्जाम्पल है, ये भी एक प्लेन मिरर का ही एग्जाम्पल है यहाँ भी। तो नेचर ऑफ इमेज, इमेज का मतलब क्या होता है, देखो जो रिफ्लेक्ट होके चीजें दिखाई देती है यहाँ पे, इसको बोला जाता है इमेज, ओके। और ये बोला जाएगा इसको ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट है, समझ लो ये है हमारा इमेज, ठीक है। अगर आप आईने के सामने खड़े होते तो आप क्या कहलाते, आप कहलाते ऑब्जेक्ट, और आपका जो वहां पे चेहरा दिखता है किसमें, मिरर में, वो कहलाता क्या, इमेज। तो वो इमेज कैसा होता है एक प्लेन मिरर में, आपने देखा होगा, आप जितने बड़े हो उतना बड़ा है उसमें दिखाई देगा, राइट। तो हम लिख सकते हैं दे आर ऑफ द सेम साइज, करेक्ट, उसका साइज सेम होता है एज यू। यहाँ पे आप देख लो, ये जितना बड़ा है उतना बड़ा इसमें भी दिखाई देगा, तो उसको बोलेंगे ऑफ सेम साइज। दूसरा क्या होता है, जो इमेज होता है वो हमेशा वर्चुअल इमेज होता है, किसमें, प्लेन मिरर में, इट इज वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज उसे बोलते हैं जिसे हम स्क्रीन पे कैप्चर नहीं कर सकते, राइट, वो एक्चुअली आपको लगेगा
यहां से आ रहा है, करेक्ट। वहां पे एक इमेज आपको लगेगा लेकिन हकीकत में कोई वहां पे ऑब्जेक्ट है नहीं, इट इज जस्ट वर्चुअल, रियल नहीं है वो, वर्चुअल है, राइट। तो इसलिए इसको बोला जाता है क्या, वर्चुअल इमेज। एंड वर्चुअल के साथ ये क्या होता है, इट इज ऑलवेज इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधा, यानी आपका सर सर ही दिखेगा, उल्टा नहीं दिखेगा। जैसे यहाँ पे आप ये देख रहे हो तो ये टॉप ही दिख रहा है, ये नहीं कि ये वाला इधर नीचे दिख रहा है, राइट। सो उसको बोला जाता है इरेक्ट, एकदम खड़ा, ठीक है। और क्या होता है, ये इस ये जो प्लेन होता है क्या, सरफेस होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द सरफेस इन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द सरफेस इन द इमेज। आपको जो डिस्टेंस, मतलब आप अगर मिरर के सामने खड़े हो तो आपका और मिरर के बीच का जो डिस्टेंस है, इट विल बी इक्वल टू द सेम एज द मिरर एंड द ऑब्जेक्ट बिहाइंड इट, ओके। वो डिस्टेंस इज सेम इन द फ्रंट एंड बैक ऑफ द मिरर, वो ये आपको याद रखना है। और क्या होता है, देखो आप खड़े रहोगे इमेज वही मिरर के सामने तो क्या दिखेगा, आपका राइट हैंड उसमें लेफ्ट दिखता है, लेफ्ट राइट दिखता है, राइट। तो उसको हम बोलते हैं लैटरली इनवर्टेड, इट इज लैटरली इनवर्टेड, ओके। तो दीज आर द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, सेम साइज का होगा वो, हमेशा वर्चुअल होगा। वर्चुअल क्या है, मैंने आपको बताया, रियल नहीं होता, उसको हम कैप्चर नहीं कर सकते, राइट। और इरेक्ट, इरेक्ट मतलब खड़ा सीधा होगा, एंड दे आर ऑफ द सेम डिस्टेंस एंड लैटरली इनवर्टेड, ओके। लैटरली इनवर्टेड मतलब लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट में दिखाता है। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक, ठीक है। तीन टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं, और आगे आने वाली वीडियोस में मैं ये जो कर्व्ड सरफेसेस होते हैं वो क्या होते हैं, कर्व्ड सरफेस के मिरर्स, यहाँ तो प्लेन था, एकदम फ्लैट था, अगले वीडियो में हम देखेंगे कर्व्ड सरफेस क्या होते हैं, मेनली कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, उनके नेचर ऑफ इमेजेस क्या हैं, और उनसे कुछ रिलेटेड टर्म्स एंड यूजेस वगैरह देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कॉमेंट करके आप अगर कुछ मिस्टेक हुआ तो बता सकते हो, या सब कुछ ठीक है तो तारीफ भी कर सकते हो, और बहुत ज़्यादा पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय, हैव अ गुड डे।